और यहां पे बी है राइट ए से बी को अगर मैं कोई डेटा ट्रांसफर कर रहा हूं एज हेलो सो इसको कुछ भी एक रैंडम स्ट्रिंग बना दिया जाएगा एंड सिर्फ बी ही उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा एंड बी विल बी एबल टू रीड द वर्ड देयर एज हेलो सो ये सिंपल सा चीज करने के लिए हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स है फर्स्ट वन इज एस एस एल सिक्योर सॉकेट्स लेयर करने जा रहा है ना हमारे डेटा को सो इट इजेबल फॉर दैट पर्सन नाउ और इसके अलावा ये वेबसाइट की आइडेंटिटी को भी वेरीफाई करता है जैसे कोई भी आप वेबसाइट जा रहे हो वेदर इट इज एक्चुअली अ रियल वेबसाइट और नॉट लाइक मे बी हम कभी कभी कुछ फेक वेबसाइट्स के बारे में भी हम जानते हैं राइट right? कि आपके साथ क्या हो जाता है फ्लिपकार्ट की जैसा डिटोक्लोन एक वेबसाइट बन जाती है आप उस पर जाके पेमेंट्स करते हो बट बाद में आपको पता लगता है कि प्रोडक्ट तो आएगा ही नहीं क्योंकि आपने फ्लिपकार्ट से नहीं कोई मे बी एक स्कैमर से प्रोडक्ट परचेस कर लिया है सो so, उस केस में भी आप हम देखने वाले कि हाउ एस एस एल प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट दोज काइंड ऑफ थिंग्स राइट नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी इट इज ऑल्सो अनादर क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल एंड एस एस एल वॉज यूज अर्लियर उसके बाद नाउ वी हैव टीएल रिप्लेस्ड एस एस एल इट्स वर्जन राइट अ न्यूअर वर्जन ऑफ दैट

बेसिक आइडिया की एच के ऊपर जब हमने सिक्योरिटी लगाई, सिक्योरिटी लगाने के लिए हमने क्या प्रोटोकॉल यूज़ किया, SSL and TLS. उसके बाद हमें मिला कि आप डेटा सेंड कर रहे हो अपने सर्वर को यूजिंग एच टी टीपी प्लेन डिस्क सेंड कर रहे हो उसके इसमें क्या हो आप जो भी भेज रहे हो आपको दिख रहा है ये जो ट्रांसमिशन मीडियम है जो ट्रांसमिट कर रहे हो आप डेटा उस टाइम पे वो दिख रहा है हाँ पे. बट अगर आप एस यूज कर रहे हो या टीएलएस यूज कर रहे हो तो यहाँ पे वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है डेटा इवन आपको यूजर नेम पासवर्ड ऐसे भी नहीं दिखेगा कि ये यूजर नेम जा रहा है ऐसे आप जब उसको वायरशाक में चेक करोगे तो पता चलेगा कि आपको बस एज एन एप्लीकेशन डेटा दिखेगा आपको पे कुछ पता ही नहीं लगेगा राइट सो नाउ वट इज एस एस एल सर्टिफिकेट राइट हम बात कर रहे थे कि कैसे वेबसाइट्स को से सर्वर्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं फ्लैग करते हैं कि वेदर इट इज द करेक्ट पर्सन दैट इट इज लाइक

लगता है उनको कि ये अमेजॉन की रियल वेबसाइट है सो so, मैंने बना लिया ऐसे एक रियल वेबसाइट जैसा दिखने वाला है अमेजोन का वेबसाइट जिससे क्या करूँगा मैं लोगों को स्कैम करूंगा उनसे पैसे वैसे लेके तो उस केस में मेरे ब्राउजर को पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे अमेजॉन खोल रहा हूँ तो एक्चुअली मेरे जो यूज़र है वो अमेजोन की वेबसाइट पर ही जा रहा है या वो किसी और की वेबसाइट पर जा सकता है तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम एस एस सर्टिफिकेट्स को यूज़ कर रहे होते हैं सो इट इज़ अ डिजिटल सर्टिफिकेट एंड ये ऑथेंटिकेट करता है कि जिस वेबसाइट पे हम जा रहे हैं वो एग्जैक्टली exactly वही है या फिर कोई और है हु इज प्रिटेंडिंग टू बी कि मतलब उसको पता होगा कि इस वेबसाइट इस सर्वर का ओनर कौन है ये संपद का वेबसाइट है या फिर वो एक्चुअली अमेजोन का वेबसाइट है राइट right? सो so, उसके और उसके बाद वो क्या करता है जो इनक्रिप्टेड कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं उसको भी एनेबल करने में इसका एक रोल प्ले होता है कि इनक्रिप्टेड ट्रैफिक हम सेंड कर पाए राइट सो एस सर्टिफिकेट में कुछ चीज़ें मैंशन चीज़े होती है जो मेन चीजें होती है फर्स्टली द डोमेन नेम ऑफ द सर्वर

ही इज अ करेक्ट पर्सन हु इज क्रिएटेड दैट सर्टिफिकेट दैट वेबसाइट और नॉट एंड देन उसको एक सर्टिफिकेट असाइन कर रहा है वो एस एस एल डिज, डिजिटल सर्टिफिकेट असाइन कर तो so वो जो अथॉरिटी है ना उसका उसको हम कहते हैं सी ई और सर्टिफिकेट ऑथॉरिटीज सो अब उसकेस में क्या होता है इसका डिटेल्स भी हमें देना पड़ता है ताकि हमारा ब्राउजर वैलिडेट तो कर पाए कि क्या पता है मैंने अपनी एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी भी बना ली है कि मेरे दोस्त ने एक अथॉरिटी बनाई है सर्टिफिकेट अथॉरिटी हु विल वैलिडेटेड और बता देगा वो जाकर कि हाँ ठीक तो है ये तो सही वेबसाइट है ये अमेजोन का है इन दैट केस इस जगह पर भी हमें पकड़ने के लिए सर्टिफिकेट ऑथोरिटी उसके बाद एक एक्सपायरी डेट एक एक होती है सर्टिफिकेट की विच इज ऑल्सो मैं और फिर डिजिटल सिग्नेचर रहेगा सर्टिफिकेट ऑथोरिटी का विच विल बी वैलिडेटिंग सो दिस वॉज अबाउट एस एस एल सर्टिफिकेट तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी एज अब राइट सर्टिफिकेट ऑथोरिटी सो सर्टिफिकेट ऑथोरिटी का जैसा मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया दिस डायग्राम इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग सो so, पहले आप रिक्वेस्ट करते हो एस एस एल टी एल एस सर्टिफिकेट के लिए एक ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी के लिए काफ़ी सारे ट्रस्टेड अथॉरिटीज़ होती है जो आपको साइन करके टी एल एस या फिर एस एस एल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं आप उसके पास जाते हो आप उसको रिक्वेस्ट करते हो रिक्वेस्ट करने के बाद क्या होता है वो वेरीफाई करेगा कि वो जो कंपनी है वो करेक्ट है या नहीं है वो सर्वर सही है या नहीं है राइट right? और उसके बाद वो अपना डिजिटल सिग्नेचर के साथ एक सर्टिफिकेट बनाएगा इसमें उस सर्वर का इन्फॉर्मेशन रहेगा एक प्राइवेट की रहेगी एंड देन उस सिग्नेचर को वैलिडेट करेगा

ऑथराइज़ होते हैं जो भी रेप्यूटेड सर्टिफिकेट ऑथोरिटीज होती है वो चेक कर लेते हैं और अगर इनके साथ कोई मैच नहीं होता है तो क्या होता है उस केस को भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे अभी सो लेट जस्ट ओपन द फायरफॉक्स ब्राउजर आप सेटिंग्स में जाके सर्टिफिकेट्स पे जाके आप एक्चुअली व्यू सर्टिफिकेट्स भी कर सकते हो और यहाँ पे जाके आप अथॉरिटीज़ को देख सकते हो राइट right? इतने अलग अलग टाइप के उत, इतने अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं एंड देन अगर कोई पीपल का डेटा है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अगर आपके कोई सर्टिफिकेट्स है यहाँ पे सो दैट इज़ योर सर्टिफिकेट दैट इज़ ऑल्सो यू कैन सी योर सो so, अभी सर्टिफिकेट जो है उसको कोई भी वेबसाइट का जो सर्टिफिकेट है ना वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है ऑब्वियसली इसीलिए ब्राउजर भी हमारा यूज़ कर पा रहा है उसको व्यू कर पाता है सो so, उसको अगर हमें चेक करना है तो हम उसको कैसे चेक करेंगे राइट अभी मैंने आपको शो किया था कि जब हम चेक कर रहे थे कि पैडलॉक है या नहीं है किसी भी वेबसाइट में सपोज लेट्स गो टू दू विकिपीडिया में भी तो मैं अगर विकीपीडिया की वेबसाइट पे जाता हूँ एच टी पी एस विकीपीडिया इज देयर कनेक्शन इज सिक्योर आप देख सकते हो जब आप उस पर क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे एक इफॉर्मेशन आता है कि योर कनेक् इन्फॉर्मेशन इज़ प्राइवेट वैन इट इज सेंड दैट मीन्स कि वो इनक्रिप्ट होकर जा रहा है और यहाँ पर सर्टिफिकेट इज़ वैलिड का भी ऑप्शन आता है सो तो इससे हमें पता चलता है कि जो सर्टिफिकेट है इसका इससे सर्टिफिकेट वो एक वैलिड सर्टिफिकेट है यहाँ पे आगे आपको पहले तो कुछ जनरल इन्फॉमेशन मिल जाती है जैसे कि कॉमन नेम जो कि मतलब उसका डोमेन होता है उस वेबसाइट का राइट आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशन क्या है कौन सी कंपनी की वेबसाइट है दैट यू कैन सी उसके बाद किसने इशू किया है डी जी सर्ट डी एल एस इसने इशू किया है राइट उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम देन यू हैव द वैलिडिटी पीरियड सो ये अभी वैलिडेड है वैलिडेटेड है टिल अक्टूबर सेवनटीन तो उसके बाद उसको दोबारा से वैलिडिटी को इंक्रीज करनी पड़ेगी राइट एंड यहाँ पे आके आप और भी ज़्यादा डिटेल्ड वे में आप देख सकते हो uh, आई होप इट इज रीडेबल टू यू गाइज इफ इट इज़ नॉट दैन यू कैन ऑल्सो चेक इट ऑन यूर ओन मशीन्स एज वेल वो सिम्पली यहाँ पे क्लिक करके आपको करना है सो so, यहाँ पे आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ये वर्जन क्या है सर्टिफिकेट का राइट सीरियल नंबर सिग्नेचर एलगोरिदम क्या अप्लाई किया गया है यहाँ पे सो so, ऑल right? so, दो थिंग यू कैन फाइंड योर राइट सो ये तो था कि सर्टिफिकेट को हमने कैसे व्यू करना है अगर हमको ब्राउजर के एंड से करना है तो एंड ऑल द डिटेल्स डेट वी हैव सीन राइट सो so, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब समझते हैं कि जो एग्जैक्टली exactly जो डेटा ट्रांसफर होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो सिक्योर वे में हो रहा है तो उसमें एक बहुत कॉमन सा टर्म आता है एस और टी एल टनल सो लेट सी कि क्या टनल है कोई एक्चुअल में टनल तो नहीं बन जा रहा राइट सो बेसिकली क्या है ना कि टनल को हम लोग एक सिम्बोलिकली uh, यूज़ कर रहे होते हैं कि लाइक टनल का क्या मतलब है कि टनल के अंदर से अगर कुछ जा रहा है तो बाहर से आपको नहीं दिख रहा कि वो अंदर क्या जा रहा है सो फॉर दैट वे ओनली कि जब भी हम कोई भी कनेक्शन बना रहे होते हैं कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कनेक्शन बन गया इट्स इनक्रिप्टेड कनेक्शन यहां पे जो सेंडर है जो टनल के जस्ट मिनट जैसे ये है मेरा सपोज दिस इज माय टनल राइट तो यहां पे है मेरा सर्वर एंड दिस इज माय क्लाइंट राइट सो अभी क्लाइंट ने के इस एंड पे उसको so, इसमें क्या होता है वही एनक्रिप्टेड कनेक्शन है बिटवी द क्लाइंट एंड द सर्वर जिसमें आप डेटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हो और इसमें काफी सारी सिमेट्रिक एंड ए सीमेट्रिक एनक्रिप्शन को यूज कर रहे होते हैं वाले की exactly क्या होता है कैसे वो

हेलो सर्वर करके राइट सो क्लाइंट विल स्टार्ट द कनेक्शन रिक्वेस्ट सर्वर उसके साथ कुछ रिस्पॉन्स भेजेगा एंड उस रिस्पॉन्स में क्या भेजेगा कि वो अपना पब्लिक एक आई डी भेजेगा और एक सर्टिफिकेट भेजेगा अपना ठीक है उसके बाद फिर उसमें डिसाइड होगा कि वो लोग कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करने वाले हैं या किस लैंग्वेज में लाइक क्योंकि एक बहुत ही हाई लेवल का डायग्राम है सो so, यहाँ वो डिसाइड करने वाले कि वो कैसे कम्युनिकेट करने वाले है कौन सा वो सीक्रेट लैंग्वेज है

उससे चेक करके वो वैलिड करके कि ये सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है ये जो सर्वर है ये वो एग्जैक्टली exactly वही सर्वर है मतलब वही कंपनी है जो वो प्रिटेंड कर रहा है या नहीं है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर क्या होगा ब्राउजर एक इनक्रिप्टेड डेटा भेजेगा जिसमें एक एक और कीवर्ड होगी लाइक एक टेक्स्ट होगी राइट जिसको आप यूज करके अपना सीक्रेट की जो ये कम्युनिकेट कर रहे होंगे ना यहाँ पे सो so, बेसिकली यहाँ पे जो होने वाला है वो होगा आपका सिमेट्रिक इनक्रिप्शन राइट तो द आइडिया इज कि यहाँ पे ब्राउजर ने जब वेरीफाई कर लिया ना सो यहाँ पे वो एक की भेजेगा जो यहाँ पे जो भेज रहा है सर्वर को भेजेगा एक अपना टेक्स्ट भेजेगा राइट एक नंबर भेजेगा और उस नंबर को वो इनक्रिप्ट करेगा यूजिंग द पब्लिक की ऑफ द ब्राउजर उससे क्या होगा वो उसने एसिमिट्रिक इनक्रिप्शन कर दिया राइट तो अभी जब ब्राउजर के पास जाएगा वो डेटा वापस तो ब्राउजर को वो नंबर निकालने के लिए उसको डिक्रिप्ट करना है सो so दैट ये जो की होगा उसको कोई और नहीं ले पाएगा और उस की से हम निकालेंगे एक और की जो कि होगा सेशन की उसको हम कहते हैं सेशन की एंड यूजिंग दैट की द कम्युनिकेशन वर्क लाइक जो भी बाद में डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सीमिट्रिकल इंक्रिप्शन uh, से हो रहा है मोस्टली सो so अगर हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन ले रहे हैं देन इन दैट केस जो भी की रहेगा वो दोनों के पास सेम रहना चाहिए राइट सो दैट द आइडिया कि यहाँ पे ई यह सीमेट्रिक यूज करके फिर आप की सेंड कर रहे हो अपने सर्वर को एंड देन द कनेक्शन बिगे और यहाँ पे आप जो भी डेटा सेंड कर रहे हो वो बीच में नहीं रीडेबल है so, इसको और अच्छे से डिटेल में समझते हैं यहां पे, राइट सो बेसिकली वट हियर इज दैट यहाँ पे जो क्लाइंट है ना क्लाइंट एक यहाँ पे तो टीसीपी का कनेक्शन बन रहा है विच इज फाइन इट जस्ट अ कनेक्शन ऑन दैट यहाँ पे वो एस एस एल वाला कनेक्शन नहीं बन रहा है यहां पे बस दोनों डिवाइसेज अपने एक फिजिकल लेयर पे कनेक्ट कर रहे होते हैं राइट नेटवर्क लेयर सो आफ्टर दैट यहाँ पे जो क्लाइंट है जो ब्राउजर है वो एक हेलो मैसेज सेंड कर रहा है राइट इस हेलो मैसेज के साथ वो क्या क्या सेंड करेगा वो बताएगा कि उसकी जो टी है उसका वर्जन क्या है मे बी वन इन दिस केस और वो कौन सी कौन सी एल्गोरिदम्स है उसके पास जो वो सपोर्ट करता है राइट right? ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट हेलो के साथ जाएगा सर्वर उसके बाद एक उसका रिस्पॉन्स में एक हेलो भेजेगा उसके साथ अपना सर्टिफिकेट भेजेगा जहाँ पे उसका

और उसको एनक्रिप्ट कर देगा तो ठीक है तो सेशन की को एनक्रिप्ट किया जाएगा पब्लिक की से जो कि सर्वर ने मुझे भेजा है सो हियर वी आर डूइंग डूइंग राइट वी आर आफ्टर दैट वी विल बी सेंडिंग दैट राइट की चेंज की एक्सचेंज होगा पहले की एक्सचेंज में सर्वर के पास भी गया वो की आफ्टर दैट दे फाउंड वहां से डिराइव कर लिया अपना सेशन की राइट right, डिक्रिप्ट करने के बाद उसके बाद एक चेंज साइफर स्पेक जाता है जहाँ पे वो फिर से वो एल्गोरिदम्स सिलेक्ट करते हैं कि कौन से एलगोरिदम्स यूज़ करके वो लोग इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करने वाले है जो डेटा यहाँ पे ट्रांसफर होने वाला है राइट तो so, वो वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड आफ्टर दैट जो भी डेटा का ट्रांसमिशन है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वो स्टार्ट हो जाता है राइट सो so, जब आप यहाँ पे पहुँचते हो यहाँ पहुँचने के बाद ही आपको वो ऐसे एप्लीकेशन डेटा दिखा सो दिस इज हाउ दैट

एंड जिसकी वजह से लेटेंसी इंक्रीज हो जाती है तो टी एल एस इज़ अ फास्टर प्रोटोकॉल जिसमें कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट जल्दी से हो जाता है आफ्टर दैट देर वेयर सम सिग्निफिकेंट वर्लरेबिलिटीज़ इन एस एस एल जो कि फिक्स हुआ है बिकॉज टी एल एस उसके बाद आया तो उसको पैच किया गया है एंड जो करेंट वर्जन है वन पॉइंट थ्री इट इज़ हाईली सिक्योर राइट आफ्टर दैट एस एसल सपोर्ट्स ओल्डर एंड लेस सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोदम उसमें जो हम लोग एल्गोदम्स यूज़ कर रहे थे जैसे कि एम डी फाइव यूज कर लिया शाह ऑवन यूज़ कर लिया बहुत पुराने क्रिप्टोग्राफिक एलगोरिद्म है या फिर बहुत पुराने हैशिंग एलगोरिदम्स यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप इनक्रिप्ट करके या फिर हैश करके भेज रहे हो डेटा को या फिर हैश सिग्नेचर भेज रहे हो तो उसके इसमें क्या है उसको डिक्रिप्ट करना कम्पेरेटिवली ईजी हो जाता है बट यहाँ पर हम नया और बोर्ड सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक एलगोरिदम्स यूज कर रहे होते हैं आफ्टर दैट एस एस एल वॉज लेस एफिशेंट क्योंकि उसमें मॉडर्न ऑप्टिमाइजेशन नहीं थी सो हियर एस टी एल एस इज़ मोर यू नो एफिशेंट और इसमें जो भी जो कनेक्शन स्टैब्बलिश होते हैं वो बहुत ज्यादा क्विकली हो जाती है स्पेशली इन वन वर्जन